बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे अंडे चने। तो आइए देख लेते हैं ये कैसे बनाए जाएंगे। एक पैन लिया है, ऑयल शामिल करेंगे इसमें 1 कप। ऑयल गर्म हो चुका है, प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे 1 कप। मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट डालेंगे 1 कप। इसे मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पर इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। इसे भी 2 मिनट पका लेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। इसे मिक्स कर लेंगे। पेपरिका पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। इसे भी मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और इसे तेज़ आंच पर 1-2 सेकंड पकाएंगे। अब हम इसकी फ्लेम स्लो करके और इसे ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे जब तक प्याज और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए, पानी भी रिड्यूस हो जाए इसका और मसाले भी इसके साथ पक जाएं थोड़े। ये देखें 6 से 7 मिनट लगे, पानी इसका ख़त्म हो चुका है तकरीबन और मसाले भी हमारे भुनाई पर हैं। हम इसको आँच को थोड़ा तेज़ करके और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसालों को भून लेंगे। ये देखें मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। चने लिए थे 1 कप, 1/2 टीस्पून सोडा डाल के इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको 5 कप पानी डालकर और 1/2 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल करके इसको बॉयल कर लिया है। और ये देखें कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ये शामिल कर देंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको और तेज़ आंच पर इसके साथ मसालों के साथ पकाएंगे इसको 1-2 मिनट। उबले अंडे लिए 4 अदद, इनको मैंने छील कर रख लिया था, ये शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करके पकाएंगे 1-2 मिनट। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। 6 से 7 अदद हरी मिर्ची ली थी बड़ी वाली, ये शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गर्म मसाला। हरा धनिया लिया था, ये शामिल कर देंगे कटा हुआ। इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी शामिल करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसके हिसाब से पानी शामिल करें। यहाँ मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। इसको ढककर 5 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए अंडा चना हमारा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।